बॉम्ब्स लग रहे हैं। नो 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 ये बच्चा किसका खो गया? Back to my channel. Okay, so आज हम करने वाले हैं eating only ice cream for 24 hours और क्योंकि ये वाला हफ्ता है हमारा 24 hour challenge. तो किसको ice cream पसंद है और कौन सा flavor पसंद है नीचे comment करके जरूर बता देना. मुझे mint choco बहुत ज़्यादा पसंद है और normal chocolate भी बहुत पसंद है. आप नीचे comment करके बताना कि आपको कौन सी पसंद है and marathon license करने को आज हम करने वाले हैं delicious ice cream नहीं क्यों? क्योंकि चुन्नू ने कहा कि सारा कचरा सामान खाओ सिर्फ आइसक्रीम तो मारो मुझे मार शर्म करो भगवान से डरो और वही मैं करने वाली हूँ. वीडियो को लाइक जरूर कर दें सब्सक्राइब कर दें लेट्स गो. ओके गाइस तो आइसक्रीम तो आ गई है बट मेरे बाल थोड़े खराब से हो गए हैं. तो ये प्रोडक्ट है मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क. ये मैंने काफी टाइम यूज किया है और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं तो ये लगा लेते हैं फटाफट. इसमें टी ट्री ऑयल और लेमन ऑयल है जिसकी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से आपके डैंड्रफ रिड्यूस होता है और आपकी इचिंग से भी आपको रिलीफ मिलता है. इसमें कोकोनट ऑयल एंड आर्गन ऑयल भी है जिससे प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है आपके बालों को. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे हेयर टाइप्स को सूट भी करता है. आपको तो पता ही होगा कि मामा अर्थ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं और उनका हमारे अर्थ के लिए काम बस यहीं तक का नहीं है. वो आपके हर एक ऑर्डर के साथ एक ट्री को लिंक करते हैं जो कि वो प्लांट करते हैं जिसकी आप डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके. 2025 तक उन लोगों का गोल है कि वो 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करेंगे विच आई थिंक इज वेरी इंप्रेसिव. आप उनके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं iOS पे और एंड्रॉइड पे दोनों और आप ये कोड यूज कर सकते हैं Ramya2022 फॉर सम ऑफ. और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स नाइका एमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है तो आप वहां से भी जाके ले सकते हैं. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मेक श्योर दैट यू गो एंड बाय इट. अब इसके बाद मैं पूरा मास्क लगा लेती हूँ फिर बाल धो के फिर मिलती हूँ. ओके गाइस बालों का काम हो गया है. बाल अब अच्छे लग रहे हैं साफ हो गए हैं मस्त मस्त से सॉफ्ट से हो गए हैं. सो नाउ लेट्स गेट टू द ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट में हम खाने वाले हैं मैगी. अच्छा तो फिर आइसक्रीम अगर आइसक्रीम भी नहीं है मैगी भी नहीं है तो फिर क्या है? मैगी भी नहीं खाऊंगी आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगी तो फिर खाऊंगी क्या? मैगी की आइसक्रीम. ओके गाइस अब ये मिली गया है तो इसको खा के भी देख लेते हैं कि कैसा होएगा मैगी और आइसक्रीम. ओह माय गॉड कितना ही गंदा होगा बट ठीक है खाते हैं. एक तो बेचारा डिसेंबर हो चुका है. सर ये तो टट्टी है. वॉर्म्स लग रहे हैं पिंक लिक्विड के अंदर. ये भाग क्यों गए? लगता है. One hour later. मैडी. क्या? आज आप फुल्ला आइसक्रीम खाओगी ना? तो चलो मैं आपको एक मस्त जगह लेके जाती हूँ. कहाँ कहाँ कहाँ? ये हाथ हमको देखा तो ना. कुछ तरीका है भीख मांगने का? बताऊं बहुत ही मजा आया था बट आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी. चाहे उसने मेरी लिटरली इतनी बेइज्जती करी मेरे मुंह में टिश्यू फेंक रहा था. मुझे अपने घर जाना है. बट ठीक है खा लिया खा के आ गए. आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी वो बात अलग है. तो जलता है सा जलता हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. समय है लंच का और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं. दो तीन ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं.
जो मेरे लिए निकाल के देगी मैं वही खाऊंगी। सो लेट्स कॉल चिन्नू एंड सी कि भैया क्या खाने को मिलता है। सारे जोड़ी खाऊंगी एक एक। हां वो खोल, चल मेरे को दे दे यार, इतना टाइम लगाएगी। कोड़ा आइसक्रीम या फिर आइसक्रीम पकोड़ा, पकोड़ा आइसक्रीम, आइसक्रीम पकोड़ा, पकोड़ा आइसक्रीम। निकाल के हाथों में मल के लड्डू बना रहे हैं पहले, और इतना डिस्गस्टिंग लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है मेरे साथ मेरा हाथ जम जम के मर जाएगा। डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग। हाइपोथर्मिया हो गया तो मेरे हाथों में, ठीक है, मैदा मैदा में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी डालना, उसको घोल के बिल्कुल क्रीमी बना देना, जैसे आपके चेहरे पे लगाने वाली क्रीम होती है वो लगाने के बाद उसके बाद साइड में लिया कॉर्नफ्लेक्स, और कॉर्नफ्लेक्स इतना कूटो इतना कूटो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम तुम्हारे नसीब को कूट रखे हो, कि यार आइसक्रीम पर पकौड़ा कौन खाता है अच्छे नसीब वाला। तो ये करना है, उसके बाद भैया सिंपली आपके जमे हुए आइसक्रीम के गोलों को उठाओ, मैदा में डुबाओ, उसके अंदर फिर इसको तेल में पका लो और खा लो। ओके गाइस, मैं आ गई हूं मेरे पकौड़ों को लेके, आई मीन मेरे पकौड़ों मेरे आइसक्रीम पकौड़े को लेके। अब ये क्या है क्या नहीं, ये सब इस बदतमीज़ की वजह से हो रहा है, बट ठीक है ये बन गया कैसे ना तैसे, ये उबल के टूट के गिर रहे थे पता नहीं क्या, बट लेट्स ईट इट एंड बताती हूँ कैसे पकौड़ा विद आइसक्रीम। लगा आपने कभी सोची खाई है, नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको खाने की इच्छा है भी कि नहीं। अच्छी लग रही है यार, लाइक बहुत ही शानदार बना था यार, लाइक आपको भी अगर ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बना है। मच मच लेटर, ब्यूटीफुल कसट है, लेट मी गो सी देयर इन पीस। गरीब लोग, मैं गरीब हूँ। रेड वेलवेट मैदी क्रैकल ब्राउनी, अब क्या यही एक जगह बची थी आइसक्रीम खाने के लिए? मैं नहीं ले रही आपका वीडियो, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। इसलिए हम जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर, क्योंकि घर में आइसक्रीम खा खा के थोड़ा सा पक गए थे, हमारी इतनी सारी एक्सपेरिमेंटेशन से हमारा पेट में थोड़ा गड़बड़ भी हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ एक्चुअल ऑथेंटिक चीज खा लेते हैं, तो उसके लिए जा रहे हैं। लेट्स गो। आप में से कितने लोग डिनर में आइसक्रीम खाते हो नीचे बताओ। बाय, ऐसी भी अच्छा लग रहा हूँ मैं। आइसक्रीम कुछ ज्यादा नहीं हो गया। सेल्फ ऑब्सेस्ड। सुंदर बनाया, और इन लोगों ने लिटरली भिखारियों की तरह कितना सारा भर दिया, क्या देखा, ब्लंडर कर दिया, तो सब कुछ भर दिया, चिन्नू का सब कुछ, पिंकी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा, आप लोगों के साथ अच्छा जरूर लग रहा है, गजब बेइज्जती। Three, two, one. Here we go.